हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत। इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। संपूर्ण गाइडलाइंस के साथ मैं आपको जो है ये वीडियो बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद का जो है प्रोसेस होता है लॉग इन करके फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है, पोस्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, जो प्रिफरेंस देते हैं, संपूर्ण जानकारी संपूर्ण गाइडलाइंस के साथ मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। केवल आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो है 18 जनवरी 2023 से जो है 17 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो तरह की वैकेंसी फ्रेंड्स, एक है एमटीएस के पोस्ट है 10,880 और एक हवलदार की वैकेंसी जिसमें 529 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। दोनों पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप जो है इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी जानकारी को पढ़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है एसएससी की वेबसाइट पे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आप उसी यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड भर के आप सिंपल लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि पिछले साल एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी तो आप में से काफी सारे लोगों ने फॉर्म को फिल किया था, तो आप उसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके जो है एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हमें नहीं लगता कि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एसएससी की वेबसाइट पर नहीं किया होगा। काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके अपने पास रखा हुआ है, एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किए होंगे, सीएचएसएल का, इसके पिछले साल एमटीएस का फॉर्म फिल किए होंगे या सीजीएल का, जो भी आपने करा था उसी के बेस पे हम आपको फॉर्म भरना बताएंगे। तो मेरे पास एक ऑलरेडी यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अगर मान लीजिए आप जो है यूजर नेम पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे, अपना यहाँ राज्य चूज करेंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल या मोबाइल दोनों में से कोई भी ऑप्शन को लिखेंगे, सबमिट करेंगे ना तो आपका यूजर नेम शो हो जाता है, ओटीपी वेरीफाई करेगा उसको उसे शो कर देता है और बोलता है आप एक अपना पासवर्ड जो है क्रिएट कर लीजिए। दोनों में से कोई भी ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे, या तो ईमेल वाला या तो मोबाइल वाला, आपका जो है वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है, वही यूजर नेम होता है और पासवर्ड आपको बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए हमारे पास जो है एक यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो पिछली बार एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करके मैंने बताया था, उसी यूजर आईडी पासवर्ड से हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉगिन करते हैं। आप भी सिंपल उसी यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ करते हैं लॉगिन। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आसानी से लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलता है, यहाँ पे आपका नाम शो होता है, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको मॉडिफाई करना, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं तो अप्लाई करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अगर मॉडिफाई करना चाहते कैसे होता है। मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए सारी जानकारी वो शो होती है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दिया था। यहाँ पे एक देखिए एडिट का बटन मिलता है, आप यहाँ से जो है इजिली अपनी सारी जानकारी को एडिट कर सकते हैं, जैसे आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को एडिट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी उसमें सुधार करना चाहते हैं तो आप उसे सुधार कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, अगर करना चाहते हैं तो एडिट करके आसानी से फॉर्म को सबमिट करिएगा, रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई हो जाएगा। जब मॉडिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आ जानी है और यहाँ पे आपको जो है देखिए इस तरह की वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2022, यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट बताए गए हैं। आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन मिलता है, आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दी हुई थी वो सारी जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाती है। आपको यहाँ पे मैच करते हुए नीचे आना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 15 नंबर में ही आपको यहाँ पे जो है भरना है, वहां पे बोला गया कि आप बताइए पहला एग्जाम प्रेफरेंस कहाँ देना चाहते हो, आपको जहाँ नियरेस्ट लगे वो आप यहाँ चूज करेंगे। 3 सेंटर आपको चूज करना होता है, जो आपको नियरेस्ट लगे उसमें से आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में जो है आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, असामी, बंगाली, जिस भी मीडियम में आप देना चाहते हैं उसे आप चूज करेंगे। इसकी वजह से दोबारा से आपको चूज करना है, मतलब दो बार ये चीज चूज करनी है। इसकी वजह से पूछ रहा वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस करेंगे और अपने यहाँ पे जानकारी बताएंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, ये जो है हट जाएगा। ये देखिए सब चीज जो डिसेबल है, इस तरह देख रहे हैं डिसेबल्ड है। अब यहाँ पे 19.1 में आपको आ जाना है, पूछ रहा वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप जो है उम्र में छूट लेना चाहते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं और आपकी उम्र ज्यादा है, जिस तरह से नोटिफिकेशन में बताई गई है कि अगर आप यहाँ पे उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष के हैं तो आप एमटीएस एंड हवलदार पोस्ट सीबीएन डिपार्टमेंट में जो है अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप 18 से 27 ईयर्स के हैं तो आप जो है
हवलदार इन सीबीआईएन में अप्लाई कर सकते हैं एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी उम्र 25 से ज्यादा हो चुकी है या 27 से ज्यादा हो चुकी है, तो अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल का छूट ले सकते हैं, ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट ले सकते हैं, विकलांग है जनरल तो 10 साल की छूट मिल जाएगी आपको, विकलांग ओबीसी है तो 13 साल और विकलांग एससी एसटी है तो 15 साल, और एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का आपको यहाँ पे छूट मिलता है, या डिफेंस पर्सन है तो 3 साल का। तो इसमें से अगर कोई भी कैंडिडेट्स हैं आप, तो आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे और यहाँ पे आपको जो है एज रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ रहा है ना, या आप किस जो है कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आप यहाँ चूज करेंगे तो आपको अपर एज में छूट मिल जाती है। अगर आप जो है इसे फुलफिल करते हैं कि आप 1825 के बीच में हैं और 1827 के बीच में हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल नो कर देंगे, आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे सिंपल सी बातें हैं, आपको समझना होगा। अब बात आती है यहाँ पे पोस्ट प्रिफरेंस की। यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट प्रिफरेंस बताई गई है स्टेट वाइज, और यहाँ पे कोड दिया गया है कि किस स्टेट का क्या कोड है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितनी भी वैकेंसी है, जहां जहां इनका वैकेंसीज है, ऑफिसेज हैं, वहां वहां यहाँ पे देखिए, जैसे झारखंड में है अंडमान निकोबार, कोलकाता, रांची में यहाँ पे हवलदार की वैकेंसी है, इस तरह से उत्तर प्रदेश एमटीएस की है, बिहार में एमटीएस जिसका कोड 24 है। तो आपको यहाँ पे जो है कोड डाल डाल के प्रिफरेंस देना होगा। कोड कहाँ डालेंगे, तो यहाँ पे डालना है 20 नंबर वाले में डालना है कि आप जो है प्रिफरेंस ऑफ स्टेट, किस स्टेट का प्रिफरेंस आप रखना चाहते हैं। आप ऑल इंडिया कहीं का भी प्रिफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि जो है कोड वाइज जो है जानकारी बताई गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, अगर आप हवलदार जैसे पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है हाइट भी नापी जाती है और साथ ही साथ आपका जो है दौड़ भी होता है, पीटी पीएसटी भी होता है। तो अगर आप हाइट में छोटे हैं तो आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि हम हवलदार के दे कर ना दे, तो उस तरह से आप एक बार देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में आपको पेज नंबर नीचे में आपको ये जानकारी बताई गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी जो हवलदार की वैकेंसी है जो सीबीआईएन में एंड सीबीएन में, उसकी भी जानकारी बताई गई, किस रांची में कितना सीट है, लखनऊ में कितना सीट है। तो इस सीट वाइज भी आप यहाँ पे प्रिफरेंस को दिखा सकते हैं, जो कि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन के जो है प्रिफरेंस देंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। और कुछ मैंने यहाँ पे समझाने चाह रहा हूं, तो आप यहां पे जो है ये चीज देखेंगे कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि कहां हम पहला डालें, दूसरा कहां डालें, तीसरा कहां डालें। बाकी एमटीएस का तो नहीं है जानकारी, एमटीएस जो पोस्ट है कि बिहार में कितना सीट है या मध्य प्रदेश में कितना सीट है या भोपाल में या त्रिपुरा में या मुंबई में, इस तरह का एमटीएस में नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन। लेकिन हवलदार के लिए दिया गया है कि हवलदार के लिए कहां कहां कितना सीट है, जो कि आप नोटिफिकेशन में यहां पे आएंगे तो ये जानकारी। सबसे ज्यादा पोस्ट जो है लखनऊ में है, जो कि 191 पदों पे है, रांची में 41 है, इसी तरह से देख सकते चेन्नई में 41 है। तो आप देखेंगे कि कहां हमको प्रिफरेंस देना, प्रिफरेंस कैसे देना है, तो कोड यहां डालना है। जैसे मान लिया बिहार देना चाहते हैं सबसे पहले, तो बिहार का देखिए 42 है, तो यहाँ पे हम 24 है तो 24 हम यहाँ डाल देंगे। लखनऊ 23 है तो हम यहाँ 23 डाल देंगे। इसकी वजह से उत्तराखंड 22 है तो देखिए हम उत्तराखंड 22 डालेंगे। हमको भोपाल हवलदार से आवेदन करना है तो 43 हम यहाँ डाल देंगे। तो हम इस तरह से प्रीफरेंस को दे रहे हैं। गोवा का डालना है तो 46 यहाँ डालेंगे। इसकी वजह से मुंबई हवलदार की वैकेंसी 47 तो हम यहाँ 47 डालेंगे। अगर हमको तेलंगाना डालना है तो यहाँ 63 डालेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जैसे गुजरात का यहाँ पे देखिए 55 एमटीएस है तो 55 यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे देखिए 33 सिक्किम का दिया हुआ है तो 33 हम यहाँ पे। तो आप अपने प्रीफरेंस को जहां रखना चाहते हैं उस तरह से आप जो है यहाँ पे प्रीफरेंस को बताएंगे कि आप पहला प्रीफरेंस, दूसरा प्रीफरेंस, तीसरा प्रीफरेंस, कि हम तो हम यहाँ पे देखिए पहला बिहार को रखे हैं, दूसरा यहाँ पे लखनऊ को रखे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीफरेंस को देंगे उसके कोड के अकॉर्डिंग। हर एक राज्य का, हर एक जो है यहाँ पे ऑफिसेस का जो है इन्होंने कोड एक जो है असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम भी कोड डाल सकते हैं, या जिसको नहीं डालना है उसको आप एक्स एक्स सबको लिखना होगा इस तरह से। देखिए आर यू श्योर वांट टू एक्स, एक्स करेंगे सारा एक्स हो जाएगा। मतलब आपको मैक्सिमम जितना डालना है प्रिफरेंस उतना आप डाल सकते हैं, जिसमें नहीं डालना है उसके वजह से आपको एक्स लिखेंगे ना तो सारा एक्स एक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे गलती डाल दिए हैं कि नहीं नहीं हमको यहाँ जो है 22 रखना था, उसके बाद हम 46 रखते, तो आप यहाँ रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट करेंगे फिर शुरू से हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है प्रीफरेंस को यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। तो हमको नहीं लगता कि आपको प्रीफरेंस देने में किसी प्रकार की समस्या होगी, आप इजीली जो है प्रीफरेंस को अलॉट कर सकते। जब आपका प्रीफरेंस लगे कि नहीं अब हमको नहीं देना है प्रीफरेंस, आप एक्स दबा देंगे, सारा जो है यहाँ पे अब एक्स एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओके कर देंगे, अब सब एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे आपको बताना है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप मैक्सिमम कहां तक पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जहां तक पढ़ाई किए हुए हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैट्रिक भी है, इंटरमीडिएट भी है, डिप्लोमा भी है, बीए ऑनर्स, बीकॉम, जहां तक आपने पढ़ाई किया हुआ उससे आप चूज करेंगे। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल एग्जामिनेशन, जो वैकेंसी एमटीएस पोस्ट पे निकाली गई है उसका जो है क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन आप चूज करेंगे। तो 10th
स्टैंडर्ड है, एक इक्विवेलेंट है, तो आप 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे चूज करेंगे। अब जैसा आप ये चूज करेंगे, यहाँ पे आपको अपना बताना है कि 10th का जो है स्टेटस क्या है, पास है कि अपियरिंग है, तो पास चूज करेंगे। कब आपने पासिंग ईयर डाला है ये ऑलरेडी आएगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दिया था तो वहीं से उठा लिया है डाटा को। किस राज्य से आपने किया ये भी उठाया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये जानकारी ऑलरेडी फिल किए हैं, रोल नंबर वगैरह सब चीज। अब आपको परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज आपका जो भी रहा है दसवीं का वो बता देंगे। अगर आपका सीजीपीए है तो परसेंटेज को हटा के सीजीपीए वाले मोड में भी लिख सकते हैं कि आपका जो है 9.8 है या जो भी है, तो आप दोनों में से कोई एक ही भर पाएंगे, या तो सीजीपीए भरी या तो परसेंटेज भरी, तो जो आपका है उसके अकॉर्डिंग आप जो है भरेंगे। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेसिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी। आप चाहे इसे यस भी कर दीजिए, आप चाहे तो नो भी कर सकते हैं, कोई इसे मतलब नहीं है, आप यस नो कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने जो है अकॉर्डिंग। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की। तो फोटोग्राफ आपको 20 से 50 के बीच होनी चाहिए, फोटो के नीचे कोई भी आपको डेट मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी जो है ये जानकारी बताई गई है कि आपको फोटोग्राफ जो है किस प्रकार से, इस प्रकार से जो है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है। देखिए यहाँ पे जो है ऑलरेडी इस तरह से बताई गई कि आप इस तरह से फोटोग्राफ अपलोड करेंगे एक्सेप्ट करे जाए। और यहाँ पे बस आपको ये डिसीजन कर देना है कि आपने जो है 18 अक्टूबर 2022 के बाद ही फोटो जो है यहाँ पे अपलोड करना है। 27 नंबर में यस कर देंगे, ठीक है ना, ध्यान रहे यस ही करना, नो नहीं करिएगा। तो ये आपको यहाँ पे यस कर देना है। और 20 से 50 के भी कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ किसी भी सिंगल बैकग्राउंड का, या तो व्हाइट हो या कोई एक सिंगल बैकग्राउंड हो, ब्लू भी चल जाएगा, कोई भी आप बैकग्राउंड वाला जो है एक सिंगल बैकग्राउंड वाला फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर आपको 10 से 20 के बीच आपको अपलोड करनी है। ये दोनों आप इजिली चूज करेंगे, फाइल साइज सही रखेंगे, इजिली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे आपका जो है सारी जानकारी खुल के आ जाती है। आप एक बार वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने जानकारी दिया है सब चीज आपने सही से दिया है, अगर कुछ भी उसमें गलती है तो आप उसे यहां से मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई का देखिए ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको नहीं मॉडिफाई करना है तो सिंपल यहां पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। यू कांट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिट, आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे अगर आप फाइनल सबमिट कर देंगे, आपको ओके करना है। ओके करते ही यहां पे देखिए आपका फॉर्म जो है रिसीव्ड हो चुका है और यहां पूछ रहा है कि कंटेंट नॉट वेरीफाइड, इसको आपको ध्यान नहीं देनी है। अब ये एसएससी वालों का काम है कि आपका कंटेंट वो लोग वेरीफाई करेंगे। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू पे फी, आपको यहां पे यस करना है। आपको क्या करेंगे यहाँ पे यस करेंगे तो अब आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे। जो जनरल ओबीसी से है उनको 100 रुपए का यहाँ पे पेमेंट जमा करना होता, हम यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। और यहाँ पे आपको देखिए काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, नेट बैंकिंग का है, यूपीआई का भी ऑप्शन है, कार्ड का भी ऑप्शन है, जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं पेमेंट जमा करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो 100 रुपीज का पेमेंट जमा कर दिया है, ये जो है देखिए फाइनल पेमेंट जमा हो चुका है। अब ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा आपको जो है एसएससी की वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप लॉग आउट तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लॉग इन ही रहेंगे, गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप चले जाएंगे। आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट कर लेंगे। लेकिन अगर आप वही एससी एसटी या फीमेल रहते हैं तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्टली आपको वहीं पे प्रिंट करने का ऑप्शन आता, प्रिंट करके फाइनल प्रिंट आउट निकालते। अगर आप यहाँ पे जनरल ओबीसी से रहेंगे तो जिस तरह से मैंने पेमेंट किया वहीं से आपको पेमेंट करना होगा। आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है प्रिंट हो जाएगा। देखिए आप इस तरह से फाइनल सबमिट हो चुका है, आप इसे प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद से एक बार आप अपना जो है पेमेंट स्टेटस को भी क्लिक करके देख लेंगे। ये देखिए यू हैव नॉट पेड फीड, अच्छा हमने अभी पे नहीं किया। एप्लीकेशन स्टेटस को भी चेक करेंगे, इनकम्प्लीट दिखा रहा है। देखिए मेरा पैसा तो कट गया लेकिन इनकम्प्लीट दिखा रहा है, इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको क्या करना है फिर से आना लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अब ये सक्सेस हो चुका है, देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेस, आप इसे प्रिंट कर लेंगे। अब हम इसे क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद से हम अगेन आते हैं पेमेंट स्टेटस पे। अब देखिए ये पे दिखा दिया, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे ऑप्शन है डबल वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक करके चेक करेंगे। अब हम एप्लीकेशन स्टेटस को क्लिक करते हैं, अब देखिए सारा जो है कंप्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन रिसीव्ड, पेमेंट स्टेटस भी कंप्लीट दिखा रहा है। तो इस तरह से आपका देखिए फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। तो ये था पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरने का एसएससी एमटीएस का। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिए, अगर कुछ भी गलती हो गया है तो सुधार करने का भी देखिए विंडो इन्होंने जो है दिया हुआ है, 23 फरवरी से 24 फरवरी तक आप इसमें कुछ भी सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड संपूर्ण जानकारी थी, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।